सो डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले बिफोर वी जंप इनटू दिस चैप्टर लेट अस नो व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन होता क्या है पहले ये समझते हैं. तो द फूड वी टेक इन हैज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स विच अकर इन फॉर्म ऑफ पॉलीमर. जो हम खाना खाते हैं, जो हम रोज का अपना वी टेक मील, तो उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, आई मीन जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ये सभी पॉलीमर होते हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? एक सिंगल यूनिट को मोनोमर कहा जाता है. किसी भी मॉलिक्यूल की एक सिंगल यूनिट को मोनोमर कहते हैं. ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं, सो ऑन, इसको पॉलीमर कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, वो पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. हमारी बॉडी जो होती है वो पॉलीमर की फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इनको हमने तोड़ना होता है, एक एक सिंगल यूनिट में तोड़ना होता है, ताकि हमारी बॉडी की सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर सके. इसे कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन को, जो हमारी बॉडी की सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. एक्चुअल में यही डाइजेशन होता है कि इनको मोनोमर में तोड़ के एक छोटी उसमें यूनिट में बनाना, जिसको मोनोमर कहते हैं, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके. ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है एक्चुअल में इसका. सो पॉलीमर्स को हमें मोनोमर्स में तोड़ना है. सबसे पहले देखते हैं मोनोमर से पॉलीमर्स कैसे जाता है, फिर देखेंगे पॉलीमर से वापस मोनोमर में कैसे आया जाता है. ठीक है, लेट मी कम हियर. मोनोमर्स जो होते हैं ना, वो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय एनहाइड्रस बॉन्ड. व्हाट डू मीन बाय इट? से फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग ऑफ, इट्स NH2 आई थिंक. इधर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, बीच में कार्बन, इधर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे होता है R यानी एल्काइल ग्रुप. जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे ये दो अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे आपस में, COOH, इधर एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इनके बीच में वाटर का रिलीज होता है, दे विल रिलीज वाटर. ठीक है, और जब ये बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी, से फॉर एग्जाम्पल अभी दो अमीनो एसिड्स जोड़े हैं, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड एंड सो ऑन. दिस वन सिंगल अमीनो एसिड इज मोनोमर एंड दिस होल चेन जो आगे बढ़ती जा रही है उसको पॉलीमर कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीमर. ठीक है, तो मोनोमर से हम पॉलीमर में आए जब एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा है इन दोनों के बीच से, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के रिलीज से ये दो यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं. तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन को एनहाइड्रस बॉन्ड कहा जाता है. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट इट टू नोट डाउन यू कैन, देन वी विल प्रोसीड. ओके, डन. अब देखो, हमने मोनोमर से पॉलीमर बना लिया है, पर डाइजेशन तो क्या होता है? पॉलीमर से मोनोमर में आना. तो जब हम मोनोमर से पॉलीमर में आए थे, जब एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हुआ था, अब हमें पॉलीमर से मोनोमर में आना है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना पड़ेगा फॉर दीज टू. ठीक है, तो डाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, जब खाना लेते हैं हम, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर की फॉर्म में आते हैं. हमने क्या करना है, इनको वाटर मॉलिक्यूल्स देने हैं. ठीक है, ताकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाए और ये सिंगल मोनोमर यूनिट में ब्रेक हो जाए, ताकि हमारी बॉडी की सेल्स इनको एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, सो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको इस पॉलीमर मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है. ये मॉलिक्यूल, ये जो प्रोसेस है ये बोन टूटने की, ये फास्ट हो सके, इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंजाइम्स की हेल्प लेती है. एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा रेट तक फास्ट कर देती है. ठीक है, सो टू मेक दिस रिएक्शन
टेक प्लेस वेरी फास्ट. हमें एंजाइम्स की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है. एंजाइम्स क्या करते हैं, इन बोन का जो टूटना है ना उसका रेट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. मतलब जो आवर्स में रिएक्शन हो रही थी वो मिली सेकेंड्स में होने लग जाएगी या उससे भी कम. इतने एफिशिएंट होते हैं एंजाइम्स. ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि वाटर मोलिक्यूल्स ऐड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. इसी को पॉलीमर को मोनोमर में टूटने को ही डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर हम ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो एलिमेंट्री कैनाल सेकेंड इज ग्लैंड्स. देखो एलिमेंट्री कैनाल एक सिंपल ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू एनस. अ सिंपल ट्यूब पर ट्यूब. और जो खाना होता है हमारा सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल्स से ही गुजरता है, ग्लैंड्स के अंदर खाना नहीं जाता. फूड डज नॉट गो इनसाइड एनी ग्लैंड. ग्लैंड क्या करती है, सिर्फ अपने एंजाइम्स डालती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके, यानी पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ा जा सके. एंजाइम्स की ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये एक सिंपल ट्यूब है. मतलब ये नहीं कहते कि हम बकल कैविटी अलग है, इसोफेगस अलग है, ये आप उसमें जुड़े हुए, नहीं. ये एक सिंपल ट्यूब है जो जगह जगह पे मॉडिफाइड है. यहाँ से तो ये बकल कैविटी बनाती है हमारा जो ये जो पार्ट है, उसके बाद इसोफेगस बनती है जो जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, और फिर ये आगे जाके मॉडिफाई होकर स्टमक बनाती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आते लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन योर एनस. यहाँ पे लीवर है. मैंने ग्लैंड्स को रेड कलर से बनाया ताकि ये इजीली रिकॉग्नाइज हो सके. ये लीवर, दिस इज गोल ब्लैडर एंड दिस इज पैनक्रियाज. ठीक है, तो हम अभी देखते हैं वन बाय वन कि बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक में कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है. ठीक है, चलिए लेट अस सी नाउ. देखिए जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो डाइजेशन भी, खाना जब हम खाते हैं उससे लेकर जब वो अनडाइजेस्टेड फूड हम रिलीज कर देते हैं वहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये काम किसका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इनमें पांच स्टेप्स में होता है. सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन. वन बाय वन हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं. इफ़ आई टेल यू अ समरी, इंजेशन क्या होता है, सिंपल खाना लेना. डाइजेशन क्या होता है, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में तोड़ना. एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब वो मोनोमर टूट जाए, जब हमारी बॉडी की सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं. एसिमिलेशन होता है जब वो एब्जॉर्ब फूड ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. डिफिकेशन इज जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले इंजेशन क्या होता है, सिंपल इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, खाना लेना, सिंपल इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन. व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन को हम देखेंगे कि बकल कैविटी में क्या डाइजेस्ट होता है, स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है. अब इससे पहले क्वेश्चन है कुछ, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आपके, वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड. तो अमीबा में क्या होता है, देखो आई एम रबिंग दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये अमीबा होता है. ठीक है, जब इसको कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो ये इसको एनगल्फ कर लेता है. एनगल्फ कैसे करता है, ये अपनी बॉडी शेप को कुछ ऐसा बना देता है लाइक दिस. इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ तो फूड पार्टिकल आ जाता है. ठीक है, और यहाँ ये इसको डाइजेस्ट करता है, यानी पॉलीमर से मोनोमर की जो फॉर्म इसमें पॉलीमर से जो मोनोमर में ये फॉर्म बदलता है वो इस ये जो ये बना है ना अभी नया वैक्यूल इसके अंदर
होता है, यानी डाइजेशन यानी पॉलीमर से मोनोमर कहाँ पे आ रहा है, पहले तो इसने फूड को एनगल्फ किया, पहला स्टेप है इंजेशन। अब दूसरा स्टेप आप ही सोचो, डाइजेशन होगा, तो ये पूछ रहा है कि ये क्या है। अगर मैं आपको बताऊंगी, ये है फूड वैक्यूल, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल फॉर्मेशन हुई है और इसके अंदर क्या है, फूड, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे एंजाइम्स डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल जब कोई सब्सटेंस एक्सचेंज हो रहा है सेल के थ्रू, उसको डिफ्यूजन कहते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसमें एटीपी का यूज़ नहीं होता। तो ये जो वैक्यूल बन रहा है इसको फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डाइजेशन करता है और दोबारा अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको रिलीज कर देता है। तो वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट फूड, तो कहाँ पे डाइजेस्ट कर रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है। समझ में आ गया। अब बकल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ, वेरी इजी, इजी पीजी, बकल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके ऑप्शन ये थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, सो इट इज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, सो द आंसर वुड बी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डन। तो देखो अब डाइजेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले डाइजेशन शुरू कहाँ पे हो जाता है, बकल कैविटी के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। बकल कैविटी में अगर हम जाते हैं तो हमारे टीथ, जो टीथ और टंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और जो टीथ का ह्यूमन फॉर्मूला होता है ऑफ अडल्ट, ह्यूमन अडल्ट का फॉर्मूला होता है ये टीथ फॉर्मूला, वो ये होता है। अब देखो ये काम कैसे करता है, 2123 by 2123 × 2, इसका मतलब ये जो 2 है ये इंसिजर्स के लिए है, 1 इज़ फॉर कैनाइंस, 2 फॉर प्री मोलर्स एंड 3 फॉर मोलर्स। ये जो 2 है ना, 2 इंसिजर हाफ जो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेरी जो ये वाली साइड है इसमें 2 इंसिजर्स होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑफ टोटल मेरे अंदर कितने इंसिजर्स हैं, तो 2 इधर 2 इधर, अपर जो में अपर हाफ में तो 2 और अपर हाफ में इधर 2 और जो लोअर हाफ में इधर 2 और इधर 2, कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 इंसिजर्स हो गए हमारे अंदर, ठीक है। ये अडल्ट ह्यूमन का फॉर्मूला है। और जो इन्फेंट होता है, छोटे बच्चे के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 by 2 1 2 × 2। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसके टीथ फॉर्मूला के ऊपर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर इन्फेंट के ऊपर पूछ ले तो इन्फेंट के अंदर मोलर्स नहीं होते, ठीक है, 2 1 2 by 2 1 2 × 2। ओके, सो अगर कोई पूछे कैनाइंस कितने होते हैं, अपर हाफ में 1, इधर वाले में 1, नीचे 1, कितने होंगे, 4 इंसिजर्स, 8 कैनाइंस, 4, गॉट इट। अब इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके, हाउ मेनी कैनाइंस आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन, सो यू नो वेरी केयरफुली कि 4 कैनाइंस आर प्रेजेंट, ठीक है। अब मैंने बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे शुरू हो जाता है, इन बकल कैविटी, हेयर यानी बकल कैविटी में। तो यहाँ पे थोड़ा किसको जाता है, स्टार्च को। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, मतलब बहुत सारे जो शुगर्स हैं उसका पॉलीमर है, शुगर के पॉलीमर को स्टार्च का है। जैसे अमाइनो एसिड के पॉलीमर को प्रोटीन कहते हैं, ऐसे जो शुगर्स होते हैं ना, सिंपल शुगर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको स्टार्च कहते हैं। अब डाइजेशन में करना ही है ये कि पॉलीमर को तोड़ना है सिंपल मोनोमर में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ जो एंजाइम होगा वो सेलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोट इट डाउन। देखो अब देखते हैं हम ईसोफेगस में, बकल कैविटी का हम देख चुके हैं, यहाँ पे क्या टूटता है, स्टार्च टूटता है सिंपल शुगर्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेलाइवरी अमाइलेज। अब देखते हैं ईसोफेगस में क्या होता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं,
यहाँ पे किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड पाइप। एंड व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? देखो, जब हम खाना एंगल्फ करते हैं, जैसे हम ऐसे एंगल्फ करते हैं, तो हमारी जो फूड पाइप होती है ना, ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन शो करती है खाने को नीचे पुश करने के लिए, ठीक है? और ये जो मूवमेंट होती है, कुछ ऐसी मूवमेंट होती है। देखो, अगर मान लो खाना यहाँ पे है, कुछ ऐसे मूवमेंट होती है, खाना ऐसे मूव करता है, जो ये अपनी शेप चेंज कर रही है और ये मूवमेंट शो कर रही है, इस मूवमेंट को कहते हैं, जैसे लाइक दिस, ठीक है? खाना नीचे जा रहा है, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन शो करती है ईसोफेगस टू पुश द फूड डाउन टू स्टमक, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेट मी राइट इट, वेयर इज माय डस्टर। कॉन्ट्रैक्शंस शोन बाय फूड पाइप टू पुश द फूड डाउन, फूड डाउन। ओके, गॉट इट? चलो, अब हम देखते हैं कि ईसोफेगस हो गया, अब देखते हैं स्टमक में कैसे क्या डाइजेशन होता है। चलिए, अब देखते हैं स्टमक में किससे क्या डाइजेशन होता है। तो स्टमक जो होता है, वो खाने को स्टोर कर सकता है 4 से 5 घंटे के लिए अपने अंदर, और ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। देखो, बकल कैविटी में डाइजेशन हो रहा है, बकल कैविटी में डाइजेशन हो रहा है स्टार्च का, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टमक में आते हैं, तो स्टमक जो है, ये बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ये तो आपको पता होगा, ये फूड को स्टोर भी कर सकता है, डाइजेस्ट भी कर सकता है। तो स्टोर फूड्स फॉर 4 to 5 hours और सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस आप कैसे याद रखेंगे? लेट मी थिंक। हाँ, देखो, जब हम बोलते हैं ना ऐसे पेट में गैस बन गई, तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कि ईसोफेगस में गैस बन गई, मेरे इंटेस्टाइन में गैस बन गई। तो जो गैस बनती है वो पेट में ही बनती है, यानी स्टमक में ही बनती है। तो गैस्ट्रिक जूस को कौन सीक्रेट करता है? स्टमक ही सीक्रेट करता है, ठीक है? और जो HCL होता है, वो ऑक्सिंटिक सेल्स ऑफ स्टमक से ही रिलीज होता है। HCL यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? जो किसको मारता है? बैक्टीरियाज को मारता है, ठीक है? आपको पता है हमारे पेट में HCL होता है, उसको सिक्रीट करने वाली सेल्स कौन सी होती है? एग्जिस्ट ऑक्सिंटिक सेल्स। अब इसको ऑक्सिंटिक को कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब हम देखते हैं कि समुद्र की जो डेप्थ है, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो आगे जो प्लांट्स हैं वो अडाप्टेड होते हैं बिना ऑक्सीजन के रहने के लिए। तो अब देखो, हमारी बॉडी की डेप्थ में भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन इज स्ट्रिक्ट, यानी मतलब ऑक्सीजन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो इससे आप ऑक्सी रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सिंटिक कैसे याद कर सकते हो? डोंट लाफ एट मी, ठीक है? ऑक्सिंटिक सेल का काम क्या, सॉरी, ऑक्सिंटिक सेल का काम क्या होता है? HCL सिक्रेट करना। HCL का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना, मार गिराना। अब देखो, डाइजेशन तो स्टमक में भी हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है ना फूड का, ताकि पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ा जा सके। तो यहाँ भी हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये प्रोसेस फास्ट हो सके। तो जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन और कैसिनोजन का ब्रेक डाउन होता है इधर, ठीक है? प्रोटीन को तोड़ा जाता है पेप्टोन्स में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, ठीक है? पेप्सी पी के हमारे पेट में दर्द हो जाता है, तो पेप्सिन कहाँ मिलता है? स्टमक में मिलता है, ठीक है? डोंट लाफ एट मी। कैसिनोजन रेनिन, इस कैसिनोजन को तोड़ने के लिए रेनिन एंजाइम चाहिए होता है, जो कैसिनोजन को कैसीन बना देता है। कैसीन इज मिल्क प्रोटीन, ठीक है? मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है ये। तो बेसिकली प्रोटीन्स का ये ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा था, यहाँ पे प्रोटीन्स का हो रहा है,
ठीक है, लीजिए जी, इसको या तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। नहीं, पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इस स्टमक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए जी क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एसिड, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स के नाम थे जैसे लीवर के, गॉल ब्लैडर के, पैनक्रियाज के, और एक ऑप्शन स्टमक का था। ठीक है, तो अभी मैंने बताया स्टमक में HCl होता है, तो स्टमक वुड बी द राइट आंसर। लेट मी राइट, दिस इज स्टमक। एंड विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन स्टमक, सो इट इज पेप्सिन। देखो अगर यहाँ पे कैसीन होता है तो कैसीन आपको पता है कि वो मिल्क प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करता है रेनिन। अब कैसीन तो है नहीं, उसके अलावा वो प्रोटीन्स का ही डाइजेशन होता है। एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया हमें पेट में दर्द कब होता है, जब हम पेप्सी पीते हैं। सो वेरी सिंपल, पेप्सी विल बी द आंसर। पेप्सिन, ओके। सो लेट अस लुक एट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन वेरी फ्यू मिनट्स वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। Are you happy? चलो now let us look at small intestine. ठीक है, small intestine. So what happens in small intestine? देखो start का digestion हो गया, esophagus में no digestion, stomach में proteins का और casein का digestion हो गया। Now we reach to small intestine. Small intestine में आते आते क्या होता है, जो लीवर होता है ना, लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस। ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करते करके और गॉल ब्लैडर को दे देता है ताकि ये इसमें अपने बाइल जूस को स्टोर कर सके। ठीक है, जहां पे भी हिपैटो वर्ड यूज होता है ना बायोलॉजी में, हिपैटो, हिपैटो से मतलब है लीवर, सीधा लीवर। ठीक है, तो जो लीवर की डक्ट होगी यानी जिसमें अपना सिक्रेशन भेजेगा ये, उसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट। ठीक है, यहां से हिपैटिक डक्ट निकलेगी और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाके ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है। ठीक है, यहां से पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज जो है वो अपना पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। जो लीवर अपना सिक्रेशन भेजेगा इधर, देखो थ्रू दिस हिपैटिक डक्ट, यहाँ से आके ये पेनक्रियाज के साथ कंबाइन हो जाएगी। तो ये दोनों अगर कंबाइन हो रही है तो इसको कहते हैं हम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब हमारा खाना अगर यहाँ आ रहा है तो ये अपना बाइल भेजेगा इधर से, गोल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है, बाइल को बनाता नहीं है। ठीक है, पेनक्रियाज रिलीज करेंगे पेनक्रियाटिक जूस, इधर आके ये ट्यूब मिल जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रेशन डाल देती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इस प्रोसेस को मैं लिखूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज प्रेजेंट होती है। विलाय का सिंगुलर होता है विलस। इनका काम क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे, ये खाने को इजीली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ये विलाइज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये डाइजेस्ट कर रही है, अगर ये पॉलीमर से मोनोमर में बना रही है तो यहाँ पर डाइजेशन भी हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अब तक सिर्फ डाइजेशन होता आ रहा था, अब एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, विलाइज ही एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट होती है। खाना छोटे छोटे यूनिट्स में टूटेगा भी क्योंकि एंजाइम्स आ रहे हैं यार। ठीक है, एंजाइम आ रहे हैं तो खाना टूटेगा भी, और विलाइज प्रेजेंट है तो एब्जॉर्प्शन भी होगा। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका आई थिंक SSC CGL 2017 में कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर विलाइज प्रेजेंट होती है। एंड यू नो कि सिर्फ डाइजेशन यहाँ तक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके दोनों चीज़ें होंगी, डाइजेशन भी होना है और खाने का एब्जॉर्प्शन भी होगा थ्रू द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसके अंदर विलाइज प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, और
इसमें और क्या है कि खाना देखो, जब ये तो खाने को अपना HCL दे देगा, ठीक है, यहाँ तक एसिडिक था खाना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस वो एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है, तो खाने को बेसिक बना देता है ये। एसिडिक से बेसिक नेचर हो जाता है खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद, क्योंकि लीवर अपना बाइल जूस दे रहा है, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस दे रहे हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एंजाइम जा रहा है, खाना इन ग्लैंड्स के अंदर एंटर नहीं कर रहा ना, ये ग्लैंड सिर्फ अपना सिक्रीशन दे रहे हैं। ओके, अब कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो लीवर है ना, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, सिक्रेट्स बाइल, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, पेनक्रियास, पेनक्रियाज आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ये क्या सिक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सॉरी, कि बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, यू नो वेरी प्रॉपरली कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरी सिंपल लीवर, ठीक है, डन। अब देखो कि एब्जॉर्प्शन, सॉरी, डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट, एब्जॉर्प्शन बिगिंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा डाइजेशन स्टेप पूरा हो गया है, इंजेशन हो गया है, सेकेंड डाइजेशन हो गया, अब हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। इट इज यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड व्हेन मिक्स्ड विथ मिक्स्ड इन ब्लड स्ट्रीम, मतलब ये जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है अभी, सॉरी, डाइजेस्ट हो गया है, यानी पॉलीमर्स को मोनोमर्स में तोड़ा जा चुका है, पॉलीमर्स को एक सिंगल यूनिट में तोड़ा जा चुका है, अब हमारी बॉडी की सेल्स इसको एब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड स्ट्रीम में भेज देंगी जहाँ इनका यूज़ है, ठीक है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड व्हेन मिक्स्ड, मतलब ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद उस कहते हैं कि हम उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, यू इसको काटो। देखो व्हेन फूड रीचेस ब्लड स्ट्रीम आफ्टर डाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जब खाना ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, इस सेल जैसे यहां से मान लो कोई आर्टरी आ रही है, सॉरी, तो यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अगला फूड, अगला है एसिमिलेशन, अगला स्टेप है। एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज़ होता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जैसे कहीं पे अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं पे न्यूक्लिक एसिड के छोटे यूनिट्स होते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ रही है, तो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पे पहुंचाना जहाँ पे इनका काम है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड मोनोमर्स,
ठीक है, इसको एसिमिलेशन कहा जाता है, एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब्ड फूड या एब्जॉर्ब्ड मोनोमर। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वहाँ पे इसको फीसिस में बदल दिया जाता है और फिर लास्ट में इजेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को भेजा जाता है जहाँ पे वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फीसिस इज इट्स आवर वेस्ट मटीरियल जो हम रिमूव कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये लास्ट स्टेप है जिसको हम डिफिकेशन बोलते हैं खाने, उसको एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना, डिफिकेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट्स इनटू फीसेस, जो हमारी पोटी होती है ना उसको कहते हैं फीसेस। ठीक है, इन केस यू डू नॉट नो। हाँ जी, तो हाँ, और जब ये हम फीसेस रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ये भी आपका क्वेश्चन है कि द रिमूवल ऑफ फीसेस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। यू टेल मी व्हाट इज इट कॉल्ड, रिमूवल ऑफ फीसेस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि जब गाय भैंस अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेती हैं तो उसको कहाँ स्टोर करती हैं, तो वो उसको अपने रूमन में स्टोर करती हैं। रूमन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो उनके अंदर ना बहुत बड़ा रूम होता है जहाँ पे अपना खजाना यानी उनका खाना स्टोर करती है। ठीक है, इन रूम, वैसे बेसिकली रूमन होता क्या है, इनके स्टमक का बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता है जहाँ से ये जब खाली बैठी होती है ना, ये गाय भैंस खाना ऊपर वापस ले लेती है और वो जो जुगाली करती है ना वो इसी फूड की करती है, तो जल्दी जल्दी वो खाना खा लेते हैं और अपने रूमन में स्टोर करते हैं, यानी उनका बहुत बड़ा बहुत बड़ा रूम होता है उसमें। आई एम जस्ट जॉकिंग, देयर इज़ नो सच रूम, हाँ आई एम जस्ट मेकिंग यू लर्न दिस। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिए हैं, 5-6 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और एक बीच में क्वेश्चन भी है जो मैंने दिया है आपको एज एन असाइनमेंट। सो दिस वॉज इट फॉर योर चैप्टर, इट इज़ कम्प्लीटेड विद क्वेश्चंस, और 2015 में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया ना, आई डोंट थिंक कि अगर आप इस बार पेपर दे रहे हैं तो इससे बाहर, आई थिंक इट इज़ कवर्ड, इतने में हो जाएगा। सो लेट अस टेक अ रीकैप ऑफ इट। बकल कैविटी में डाइजेशन होता है स्टार्च का सलाइवरी अमाइलेज से, बड़ी शुगर्स को छोटी शुगर्स में तोड़ा जाता है। डाइजेशन क्या होता है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट में बदलना है, इसी को डाइजेशन कहते हैं। जब वो छोटा मॉलिक्यूल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा होता है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जिसको डिफिकेशन या इजेशन कहते हैं। ठीक है, बकल कैविटी में आएंगे हम, सलाइवरी एमाइलेज होता है एंजाइम जो स्टार्च को, बहुत बड़ी शुगर का मॉलिक्यूल होता है स्टार्च, उसको एक छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, सिंपल शुगर में। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज का ये काम होता है। सलाइवा में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। अगर हमारा कोई बैक्टीरिया हमारे मुँह में चला जाए ना, हमारे सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे ईसोफेगस सिर्फ पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट शो करती है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक एचसीएल रिलीज करता है ऑक्सेंटिक सेल से। दूसरा, यहाँ पे इनका प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है, कैसिनोजन को तोड़ा जाता है, कैसिनोजन इज द मिल्क प्रोटीन। यहाँ पे आते आते हिपैटिक
डक्ट आ जाती है, इधर से पेनक्रियाटिक डक्ट आ जाती है और ये अपना सिक्रेशन इसमें डाल देते हैं, जहाँ से खाना यहाँ पे एसिडिक था और यहाँ पे आके बेसिक हो जाता है। उसके बाद खाने का डाइजेशन ऑलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद खाने को भेज दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो वहाँ चला जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, जहाँ फीसेस में कन्वर्ट होके हम एनस के थ्रू उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं।